तो दोस्तों आपने देखा ना किस तरीके से काम वर्किंग हुआ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। और उम्मीद है कि आने वाले हर वीडियो में हर नए ब्लॉग में इसी तरह से आपको हर रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी हम लोग करीब पहुंच चुके हैं उस गांव में पहुंच चुके हैं जहां से हमें कॉल आई थी। दो पॉइंट यहाँ पे निकालना है। ये एरिया है जिस गांव का नाम है उड़गी, उड़गी नाम है इस गांव का। तो देख रहे हो दोस्तों तो कितना सूखा इलाका है और यही एक बात है जो हमारे लिए चैलेंज है। कहाँ जाते हैं कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, पानी बहुत कम है, मुश्किल से पानी किसी किसी को मिलता है। तो हम उसी का प्रयास करेंगे, उसी की कोशिश करेंगे कि एक ही पॉइंट में हम जो है तो इनको पानी निकाल कर दिखा दें। कुछ इस तरीके से हम पॉइंट को तलाश करेंगे, पानी को खोजेंगे। और देखो कितना हार्ड सेक्शन है। हाँ दूर दूर तो कोई बोर नहीं है, लोग बोरिंग लेने में डरते हैं यहाँ पे। वजह है कि इनको ऐसा लगता है कि पानी ही नहीं है बिल्कुल। और भाई साहब काम करने का मज़ा तो इसी जगह पे है, इसी का यही काम करना होता है। देखो सामने दिखा दो, देखो कितना ड्राई एरिया है। और काम इसी को कहते हैं ना भाई, जहाँ पे पानी हो वहाँ पे पानी निकल जाए तो फिर वो तो हर कोई भी निकाल सकता है। लेकिन जहाँ पे पानी की कमतरता हो और क्षमता कम हो, ऐसा लगे कि पानी यहाँ पे नहीं आता है, ऐसे जगह पे पानी को पॉइंट निकालना और पानी निकाल कर दिखाना ये एक काफ़ी चैलेंजिंग काम है। और यही काम करने में हम लोगों को मज़ा आता है। ये खासियत है पानी की खोज की टीम की कि जहाँ पे लोगों को भरोसा नहीं होता है बस वहाँ से पानी निकाल कर दिखा देते हैं। बस जला। ओके दोस्तों, तो अभी हम जो है तो इस जगह पे पहुंच चुके हैं जाके हमें कॉल आई थी। अक्कलकोट से भी करीब 25 किलोमीटर दूर है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ का इलाका जो है ना, तो ये कितना एरिया हार्ड है और काफ़ी पानी की काफ़ी दिक्कत है, मुश्किल है यहाँ पे। तो इस एरिया में हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ अपना काम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमारी टीम सारे मेम्बर जो है तो वर्क करेंगे। और जैसे कि अभी आपको पता चलेगा आगे लॉन्ग रेंज जो है तो किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, ये हमारे ओनर शेखर सर आपको बता देंगे। अभी आगे वो आपको बताएंगे किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हम किसी भी तरह से यहाँ पे कुछ भी करके पॉइंट निकाल कर दिखाएंगे और पानी भी निकाल कर दिखाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा करीब जाना फिर ऐसा।
तो दोस्तों जिस काम के लिए हम यहाँ पे पहुँचे वो काम को स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए हमें जो चाहिए होगा ये सारा सामान यहाँ पे मौजूद है। ये कुछ क्लिप्स है, ये उसकी मेन केबल है जिससे हम लोग कनेक्टेड करेंगे, फ्रीक्वेंसी जिसके ज़रिए हमें ली जाती है। ये है लॉन्ग रेंज जिसके ज़रिए, जो तो अभी कुछ देर पहले अपने वीडियो में देखा कि ये किस तरीके से पानी को लोकेट करता है, लोकेट तो कर चुका है लेकिन अभी हम जियो फिजिकल के थ्रू इसका ग्राफ भी निकालेंगे। ठीक है, दो चीज़ें हमें जो चाहिए हमने ले ली है। इस तरीके से टेप को नापा जाएगा, 30 मीटर तक टेप को डाला जाएगा पूरा। दिखा दो इधर इधर, उसके लिए पीतल की बिल्कुल 22 रॉड आती है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हो ये 30 मीटर तक पूरा जाएगा टेप, और 30 मीटर में हर 1.5 फुट पे या 2 फुट पे हम लोग एक रॉड को ज़मीन में गाड़ेंगे। इस तरीके से कुछ इसका सेटअप किया जाता है। बारिश का मौसम हो रखा है, मुमकिन है कि बारिश आ जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में, जो शोलापुर से आगे एक गांव है अक्कलकोट, अक्कलकोट से आगे 15 किलोमीटर एक उडगी बोल के एक गांव है जहां पे हमें कॉल आई थी शिव कुमार सुड्डे, ये इनका हमने एक पॉइंट दिया था जहां पे ये पानी लगा हुआ है, बस उन्हीं का पॉइंट का वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, ये पॉइंट जो है शिव कुमार सुड्डे जी का है और उन्हीं का पॉइंट हमने लिया था। असल में वो एक सर्वेंट है जो कि पूना के अंदर पूना में जॉब करते हैं, तो उन्होंने हमारी वीडियो जो कि इससे पहले वाली वीडियो में जो लाइव ड्रिल करवाया था हमने, जिसमें पानी निकाल कर दिखवाया था, जो चैलेंज था हमारे लिए, तो वो वीडियो उन्होंने देखा कहीं से यूट्यूब पर, और उन्होंने हमें कॉल किया था कि हमारे गाँव में कुछ हालत ऐसी है कि पानी बहुत कम लगने के चांसेस है, और पानी की उनकी एक्सपेक्टेशन सच कहूँ तो वो कह रहे थे कि बस 1 ही इंच अगर मिल जाए तो भी हमारे लिए काफ़ी है। और दोस्तों ये जो दूसरा जो पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं ड्रिल में जिस पानी निकल रहा है, ये उनके भाई, उनके ब्रदर जिनका नाम है संतोष जी सुड्डे, तो ये उनका दूसरा ड्रिल है यहाँ पे। एक्चुअली क्या था कि दो पॉइंट के लिए हमें बुलवाया गया था, तो एक पॉइंट तो कंप्लीट हो चुका जो पहले वाली वीडियो में आपने देखा इसी वीडियो में, और दूसरा ये पॉइंट है उन्हीं के भाई का है। मगर क्या हुआ था उस वक्त में, जिस वक्त हम मशीन चला रहे थे प्रॉपर, तो तूफान सा आया हुआ था, हवा काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही थी, जिसकी वजह से हम कैमरे तो लगा पाए थे लेकिन प्रॉपर वीडियो नहीं निकाल पाए थे, जिस वजह से वो मशीन चेकिंग का वीडियो इसमें नहीं आया। लेकिन पानी तो इनको 100%, एक को 2 इंच है और एक को 5 इंच लगा हुआ है। जब उन सर की कॉल आई थी हमें पॉइंट देखने के लिए, दो पॉइंट के लिए, तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी हमारे से वो बस इतनी थी, वो उनको ऐसे फील हो रहा था कि यहाँ पे पानी हमें नहीं मिले, अगर मिल भी जाए हमारे ज़रिए तो 1 इंच भी अगर मिलता है तभी वो सफिशेंट है। लेकिन जब हमारी मशीन के ज़रिए हमने जब पानी खोजा और जो रिज़ल्ट हमारे सामने आए, तो हमें ऐसे लगा कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3+ इंच पानी होना चाहिए, और दोनों को बेहतरीन, एक को 2.5 लाइक करीब 3 इंच का एक को पानी लगा है और दूसरे भाई को 5 इंच का पानी लगा है। तो ये पानी लगने के बाद वो इतने खुश हुए कि अब उसके बाद से हमें बार बार कॉल आते जा रही है। अभी 3 दिन पहले का ही ये वीडियो है, 4 दिन में लगभग वहाँ से एक कॉल आ चुके हैं अब तक पानी पॉइंट के लिए। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा काम हमने पहले से ऐड कर रखा है कि वहाँ पे जाने के लिए अभी टाइम नहीं है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है हम ज़रूर दोबारा से वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ की वीडियो दोबारा से पोस्ट भी करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा ना किस तरीके से काम वर्किंग हुआ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, और उम्मीद है कि आने वाले हर वीडियो में, हर नए ब्लॉग में इसी तरह से आपको हर रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय किसान। थैंक यू सो मच।